अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बताने लगा हूँ वो वाइटनिंग स्क्रब है, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर्स की हमारी डिमांड थी कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में हमें कुछ ऐसे वाइटनिंग स्क्रब के बारे में बताएं जो सेंसिटिव स्किन के लिए हो, ठीक है ना। हालांकि दूसरे स्क्रब या कुछ चीज़ें, मसाज क्रीम या फेशियल की कोई भी चीज़ अगर कोई यूज़र इस्तेमाल करता है तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है या जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना होता है वो रैश वगैरह कर देते हैं या स्किन ज़्यादा रेड हो जाती है या इस तरह के सो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो पिंपल्स वगैरह का भी इशू हो जाता है। तो मैं एक कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत सारे यूज़र्स इसके बारे में जानते भी होंगे जो कॉस्मेटिक्स को जानते हैं या फेशियल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हॉलीवुड कंपनी है, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ये उनके लिए है, ठीक है ना। ये वाहद कंपनी है हॉलीवुड वालों की जिन्होंने वाइटनिंग स्क्रब बनाया है जो बिल्कुल सेंसिटिव स्किन के लिए है। मतलब जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो बेफिक्र होकर हॉलीवुड कंपनी का ये फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो फार्मूलेशन का सिस्टम है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट है ये बिल्कुल, ठीक है ना। हर्बल फार्मूलेशन है इसकी, लेकिन इसका वाइटनिंग का भी इफ़ेक्ट आएगा। हालांकि बहुत सारी कंपनियों ने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाई हैं लेकिन वो वाइटनिंग का इफेक्ट बिल्कुल नहीं देती, ठीक है ना, क्योंकि उनमें केमिकल ऐड ही नहीं होता, ठीक है। वो वैसे आपकी सेहत, वो वैसे आपकी स्किन को सेहतमंद कर देती हैं, मतलब अच्छा कर देती हैं, ठीक है ना। आपकी स्किन ग्लो करेगी लेकिन वाइटनिंग का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता। वाहद ये कंपनी है हॉलीवुड वालों की, मेड इन USA है, ओरिजिनल यूएट्यूब, ठीक है ना। ये वाहद कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट भी है और उसके साथ वाइटनिंग का इफेक्ट भी बहुत अच्छा है इसका आता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी बैक के ऊपर मेंशन भी होगा, ठीक है ना। आप अगर इसको पढ़ेंगे, इतनी दूर से नज़र तो नहीं आएगा लेकिन मैं जूम करके फिर भी दिखा देता हूँ आपको, इतना क्लियर नहीं होगा ये यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप जब इसको परचेज़ करेंगे तो इसके बैक पे मेंशन भी है कि ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है इसका फार्मूला, ठीक है ना। मतलब जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसकी टोटल रेंज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वाइटनिंग स्क्रब ये उनके लिए है जिनकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। जिनको कोई भी स्क्रब इस्तेमाल करने के बाद थोड़े इशू आते हैं, रैशेज के, रेडनेस के या पिम्पल एक्नी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये इस्तेमाल लाजमी करें, आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। हॉलीवुड कंपनी, मेड इन USA, ओरिजिनल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये मैं इसके प्राइस का आपको बता दूं कि आप किसी भी अच्छी शॉप पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको ओरिजिनल जो है एक नंबर, ठीक है ना, दो नंबर बहुत कम बनते हैं लेकिन कई कुछ दुकानों पे पड़े भी हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल जब आप पकड़ेंगे तो आपको इसकी पैकिंग से ही पता चल जाएगा कि ओरिजिनल की पैकिंग किस तरह की है। शाइनिंग होगी, थोड़ी सी शाइन होगी इसकी पैकिंग के अंदर, वैसे भी बड़ी अच्छी पैकिंग उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है ना। पकड़ते पता चल जाता है कि चीज़ एक नंबर ही होगी। और दूसरा, इसके प्राइस का मैं बता रहा था कि इसके प्राइस बिल्कुल रिजनेबल हैं, ठीक है ना, अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं। आप हर शॉप पे अगर किसी भी शॉप पे विज़िट करते हैं तो आपको 450 से लेके 500 की रेंज में इजीली आपको मिल जाएगा। कुछ दुकानदार हैं जो आपको 450 का भी देंगे, कुछ 470 का देंगे, मतलब 470, 480, 490, 500 तक एंड है इसका, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसको कोई भी सेल नहीं करता, ठीक है। 450 से लेके 500 तक इसकी रेंज है। नॉर्मल रेंज में बहुत ही अच्छा वाइटनिंग के लिए स्क्रब है, सेंसिटिव स्किन के लिए। तो एक दफ़ा इसको लाजमी इस्तेमाल करें।